अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयदुल्फ़िकार गीलानी और आप देख रहे हैं गीलानी रॉन्ग्स। मोहब्बत रंग नस्ल ज़ात पात नहीं देखती, और ये भी कहा जाता है कि मोहब्बतें जो है या मोहब्बत वो मज़हब से भी मुआवरा होती है। महाराजा रंजीत सिंह, इसमें कोई शक नहीं कि वो मुसलमानों से शदीद तरीन नफ़रत करता था, और उसने मुसलमानों के मकाबिर, मसाजिद और मुसलमान शख्सियात को जितना नुकसान पहुंचा सकता था वो उसने पहुंचाया। लेकिन इसे जो है वो इत्तफाक़ कहिए या किस्मत की सितमगरी भी कहिए कि वो जिस लड़की के इश्क में मुब्तला हुआ वो मुसलमान थे। कहाँ मुसलमानों से नफ़रत और कहाँ एक मुसलमान लड़की से मोहब्बत। उसकी महबूबा का नाम था मोरा। मोरा जो है वो कहते हैं कि नहायत खूबसूरत लड़की थी, और बहुत ही कम सनी की उम्र में रंजीत सिंह की उससे मुलाकात हुई थी। रिवायत ये है कि अमृतसर के पास जो है वो किसी गांव में जो है वो शाही बरादरी उसे कहा जाता था, उनका मुजरा था, वहाँ रंजीत सिंह भी मधु था, और जो है वो मोरा को उन्होंने रक्स के लिए बुलाया हुआ था। रंजीत सिंह जो है वो उस महफिल में गया, मोरा ने रक्स किया, और वो रक्स जो है वो रंजीत सिंह फिर ज़िंदगी भर भुला नहीं सका। मोरा उसकी ज़िंदगी में दाखिल हुई, और मोरा जो है वो किसी आम लड़की या किसी आम औरत की हैसियत से दाखिल नहीं हुई, बल्कि उसकी महबूबा के रूप में जो है वो दाखिल हुई। कहते ये हैं कि मोरा जो है वो सिर्फ रक्कासा नहीं थी बल्कि जिस्म फरोश भी थी, और ये एक ऐसी लानत थी जिस्म फरोशी, जिसकी वजह से जो है वो महाराजा होने की हैसियत से रंजीत सिंह को उससे दूर रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रंजीत सिंह जो है वो मक्खनपुर गांव की रहने वाली थी ये जो है वो मोरा, और ये उससे मिलने के लिए लाहौर से अमृतसर जाया करता था। मक्खनपुर गांव में उनसे मुलाकातें होती थी, लेकिन जब रंजीत सिंह महाराजा बन गया तो मामला उलट हो गया। कभी रंजीत सिंह को जो है वो अमृतसर जाना पड़ता, और कभी मोरा को जो है वो उससे मिलने के लिए लाहौर आना पड़ता। खुफिया मुलाकातें भी होती, वही मक्खनपुर गांव जिसका मैंने जिक्र किया, उस गांव में जो है वो इसकी खुफिया मुलाकातें हुआ करती थी। कहा जाता है कि एक दफ़ा जब मोरा जो है वो इसके बुलावे पर, रंजीत सिंह के बुलावे पर जो है वो मोरा वो आई। अच्छा, उसके जो है वो जो गांव का था उसके रास्ते में जो है वो एक नहर पड़ती है जिसका नाम था हंसली वाली नहर। आमतौर पर वो नहर जो है वो पार करने के बाद मोरा जो है वो रंजीत सिंह से मिलने के लिए आया करती थी। अच्छा, जो है वो कोई ख़ास दिन होते होंगे जिन दिनों में जो है वो उस नहर में पानी होता होगा। एक दफ़ा इसी तरह वो दरबार में जब पहुंची तो जो है वो नंगे पांव थी, और जब रंजीत सिंह ने जो है वो उस रक्स की फरमाइश की कि मुझे तुम्हारा रक्स देखना है, तो उसने कहा कि मैं रक्स नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पांव जो है वो ठिठर गए हैं। रंजीत सिंह ने पूछा कैसे, उसने कहा जी कि मैं जब नहर पार कर रही थी तो बारिशों की वजह से उसका पानी बहुत यख था, ठंडा था, जिसकी वजह से मेरे पांव जो है वो सुन्न हो गए हैं, तो मैं नाच नहीं सकती। दूसरी बात ये बयान की जाती है कि नहर पार करते हुए उसकी एक जूती जो है वो पानी में बह गई थी। उसने ये वाकया जो है वो जब रंजीत सिंह को बताया तो उसने जो है वो ये हुक्म दिया कि जो है वो उस नहर पर पुल तामीर किया जाए। कहते हैं कि वो पुल जो है उसकी तामीर का आगाज़ सुबह हुआ और रात तक, शाम तक वो पुल जो है वो तैयार हो चुका था। उसे कहा जाता है कंजरी वाला पुल, कंजरी दा पुल जो है वो उसका नाम है। लाहौर से वाघा बॉर्डर क्रॉस करके अमृतसर की तरफ जाएं तो जो है वो एक बोर्ड लगा हुआ है मेन सड़क पर जिस पर लिखा हुआ है कंजरी दा पुल। उस जगह से वो पुल जो है वो 8 किलोमीटर के फासले पर है। वो पुल आज भी मौजूद है, आज भी उसका नाम जो है वो कंजरी का पुल ही है। बहरहाल रंजीत सिंह जो है वो महाराजा बना, और जो है वो मोरा जो है वो अमृतसर से उठकर लाहौर आ गई। हम इस वक्त खड़े हैं पापड़ मंडी के इलाके में। ये ज़रा तंदीप साहब थोड़ा सा जो है वो पैन करके दिखाइएगा, इस वक्त तो इसकी हालत बदल चुकी है। ये जो है वो बहुत मसरूफ़ तरीन मार्केट है, लेकिन ये कि उस वक्त जो है वो ये इस तरह नहीं हुआ करती थी। ये पापड़ मंडी का इलाका है, और यहाँ कहीं सामने जो है वो मोरा की हवेली भी थी, वो यहाँ रिहाइश पजीर भी थी। तो जो है वो जब वो लाहौर आ गई तो महाराजा रंजीत सिंह जो है वो उससे मिलने के लिए यहाँ आया करता था। यहाँ उसका कोठा था मोरा का, और कहते हैं कि कोठे पर दरबार लगा करता था।
और बहुत सारे अहकामात ऐसे हैं रंजीत सिंह के जो इस कोठे से जो है वो मोरा के कोठे से बाकायदा जारी होते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं उसने मोरा से 1802 में शादी कर ली थी। कहते हैं कि मोरा जो है वो अमृतसर के करीब एक मक्खन विंदी नाम का गांव है, वहाँ वो पैदा हुई और वहीं जो है वो बड़ी बड़ी और जहाँ उनकी मुलाकात हुआ करती थी वो पुल कंजरी तो था ही था, उसके करीब जो है वो एक बारादरी जो है वो महाराजा रंजीत सिंह ने बनवाई थी, उस बारादरी में जो है वो इनकी मुलाकातें हुआ करती थी। ये भी कहा जाता है कि महाराजा रंजीत सिंह ने जो है वो जब उससे शादी की तो उसकी अपनी उम्र भी 21 साल थी और मोरा की उम्र भी 21 साल थी। 1781 जो है वो मोरा का जो है वो सिने पैदाइश बताया जाता है और 1862 में कहते हैं उसका इंतकाल हो गया। और ये भी कहा जाता है कि वो म्यानी साहब के कब्रिस्तान में दफन हुई, लेकिन ऐसी कोई शहादत मौजूद नहीं है जिससे ये पता चले कि वो उसकी कब्र जो है वो वाकई म्यानी साहब में मौजूद है या नहीं है। और जो है वो जो है ना वो जो पुल कंजरी है मौरखीन बाज़ कहते हैं कि उसका नाम बाद में जो है वो तब्दील कर दिया गया था और अब उसका नाम जो है वो पुल मोरा है। अच्छा, इसकी डेथ के बारे में जो है ना वो इसलिए भी जो है वो थोड़ा सी शक व शुबात है कि कुछ लोग कहते हैं कि वो लाहौर में ही रही, लेकिन जो है ना वो कुछ लोग कहा जाता है कि जो है कुछ लोग कहते हैं कि उसे जो है वो 1811 में पठानकोट भेज दिया गया था। तो अगर उसे पठानकोट भेज दिया गया था तो फिर जो है वो लाहौर में उसकी डेथ कैसे हुई, बहरहाल ये एक जो है वो बहुत डिबेटेबल बात है। लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि मोरा जो है वो उसकी ज़िंदगी में शामिल रही। अच्छा, एक और बड़ी दिलचस्प बात आपको मैं बता दूँ कि जो है वो जब रंजीत सिंह ने उसे इजहार इश्क किया तो जो है वो लोगों को बहुत बुरा लगा, ख़ासतौर पर जो है वो अकाल तख्त जो है वो का सबसे बाइख्तियार जो है वो सिखों का एक वो है, मतलब रंजीत सिंह की हुकूमत जो है वो खालसा सरकार कहलाती थी और ये सिखों के सबसे बाइख्तियार अकाल तख्त के अहकाम और हदायत पर की पाबंद थी। अकाल तख्त के जो जत्थेदार थे उन्हें महाराजा का एक मुसलमान लड़की की जुल्फों का असीर होना और उसके लिए शादी का पैगाम भेजना बिल्कुल पसंद नहीं आया और उनकी जानब से बहुत एतराज़ात किए गए। अकाल तख्त ने रंजीत सिंह को तलब भी किया और उससे पूछा कि भाई तुम उसे इश्क करते हो या नहीं करते, तो उसने बिला तामुल जो है वो इश्क का जो है वो इकरार कर लिया। चुनाचे अकाल तख्त की तरफ से जो है वो उसे कोड़ों की सज़ा सुनाई गई जो उसने कबूल भी कर ली। अच्छा, फुल्ला सिंह जो है वो एक सरदार था, वो बाकायदा कहते हैं अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के करीब जो है मतलब उसके हाथे में एक इमली का दरख्त था, उसके पास उसको ले गया और उसने उसकी जो है ना वो कोड़ों के लिए जो है वो तैयार करने लगा। फुल्ला सिंह जो है वो बड़ा दुश्मन रहा, उसी की वजह से कहते हैं कि पठानकोट भी भेजा गया इसको मोरा को बाद में। तो और जो है ना वो रंजीत सिंह जो है वो बहुत ही अपनी पीठ नंगी कर दी थी कोड़े मारने के लिए। ये तो नहीं पता कि जो है ना वो कितने कोड़ों की सजा थी, कुछ लोग कहते हैं 100 कोड़ों की सजा थी, कुछ लोग कहते हैं 10 कोड़ों की सजा थी, लेकिन बहरहाल रंजीत सिंह ने अपनी पीठ नंगी कर दी। वहाँ दूसरे सिख भी जमा थे, उसने रंजीत सिंह में हक में नारे लगाए और कहा जाता है कि एक कोड़ा मारने के बाद जो है पंचायत ने उस पर जुर्माना करके उसे छोड़ दिया था। तो मोरा के लिए रंजीत सिंह ने कोड़े भी खाए, बेशक वो एक कोड़ा था। कहते हैं कि हुस्न जमाल और कद्दो कामत में जो है वो बहुत बेमिसाल थी मोरा और रंजीत सिंह जो है वो उसकी जहानत और अक्ल दानिश का कायल था। लेकिन मज़े की बात यह कि मक्खनपुर की जो है ये मोरा के लिए जब इसने रिश्ता भेजा तो मोरा के बाप ने बड़ी सख्त शरायत जो है वो उस पर आयद की और जो है वो उनमें से एक शर्त बड़ी दिलचस्प थी, वो ये थी कि जो है वो महाराजा जो है वो मोरा के घर में जो है वो फूकों से आग जलाएगा। तो लिहाजा जो है वो उसने फूकों से जो है वो आग भी जो है वो जलाई और जो है वो मोरा के जो घर वाले थे या जो उसको उसका ख़ानदान था उसे अमृतसर में रहने के लिए जो है ना वो जगह भी जो है ना वो दी बाइज्जत तौर पर। इसी तरह जो है वो ये कहा जाता है कि उसने मोरा के लिए जो है ना वो
अच्छा ये जो आग जलाने वाली बात है, ये फ़कीर वहीदुद्दीन जो महाराजा रंजीत सिंह के दरबार में बड़ी आला पोजीशन पर थे, बड़ी आला हैसियत में थे, ये उनका कहना है कि रंजीत सिंह ने मोरंग के वालिद की तमाम शरात कबूल की और जिनमें से एक शर्त जो है मोरंग के घर में फूंकों से आग जलाना भी थी और महाराजा ने ये भी कर डाला। मोरंग के नाम से बाग तामीर हुए, पठानकोट में भी जो है वो बग़ैर मालिए की जायदाद जो है वो दी गई, मोरंग कंचनी के नाम से एक मदरसा बनवाया गया जिसमें अरबी फारसी और अहादीस के जैद उस्ताद जो है वो तालीम दिया करते थे। मोरंग जो है वो लाहौर में बेहद मकबूल हुई और यही जो पापड़ मंडी जहाँ हम इस वक्त खड़े हैं इसी इलाके में जो है वो अपने इंतकाल तक जो है वो मुकीम रही। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि कुछ लोग कहते हैं कि वो उसे भिजवा दिया गया था जो है वो पठानकोट, और कुछ कहते हैं कि जो है वो नहीं, उसे पठानकोट नहीं भिजवाया गया था बल्कि वो लाहौर में ही मुकीम रही और जब उसका इंतकाल हुआ 1862 में तो उसे जो है वो जो है वो मियानी साहब में जो है ना वो सुपुर्द खाक किया गया। लेकिन बहरहाल ये बहुत सी पुरस्कार बातें हैं जो है वो इन सवालात के जवाब अभी मिलने बाकी हैं, हम इस बारे में जो है ना वो कोई चीज़ भी तस्दीक के साथ नहीं कह सकते क्योंकि मोरंग के बारे में जो है बहुत मुख्तलिफ रवायात जो है वो मिलती हैं तवारीख में, बहुत सारी चीज़ें तो सीना बसीना हैं लेकिन जो तवारीख में अगर ज़िक्र है भी इनका तो तवारीख में भी जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो मुख्तलिफ हैं मोरंग के हवाले से। लेकिन ये तय है कि मोरंग मुसलमान थी, मोरंग जो है महारानी बनी, शादी हुई या नहीं हुई, लेकिन जहांगीर अपना रंजीत सिंह ने उसे जो है वो महारानी का खिताब दिया और वो मोरंग सरकार कहलाती रही। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था, उसने शादी नहीं की और उसकी वजह ये थी कि मोरंग जो है वो जिस्म फरोश थी और जिस्म फरोश लड़की से महाराजा का शादी करना जो है मायूब था। लेकिन जो लोग मुसिर हैं वो ये कहते हैं कि वो उसकी 46वीं बीवी थी, लेकिन जो है वो ज़्यादातर मुबरखीन ये कहते हैं कि उसने महाराजा रंजीत सिंह ने मोरंग से कभी शादी नहीं की लेकिन इसके बावजूद वो महारानी कहलवाती थी और जो है वो उसके नाम के सिक्के जारी हुए। 1802 में कहते हैं कि जो है वो शादी हुई और 1803 या 1804 में जो है वो मोरंग के नाम के सिक्के जारी हुए जिन पर एक मोर बना हुआ था। महाराजा रंजीत सिंह ने उससे इज्जत दिलवाने के लिए मोरंग बाई से या मोरंग कंजरी से मोरंग सरकार का लक़ब दिया और लोग उसे मोरंग सरकार कहा करते थे इज़्ज़त के जो है वो उसमें, क्योंकि वो लोगों के मसाइल जो है वो हल किया करती थी और जो है ना वो जो है लोगों के मसाइल में बड़ी दिलचस्पी लेती थी, उन्हें जो है महाराजा तक पहुंचाती थी, इसलिए लोग भी उसे इज़्ज़त व एहतराम के साथ जो है मोरंग सरकार के नाम से जो है वो मुखातिब किया करते थे। अच्छा जो है वो मैंने जैसा कि बताया कि जो है ना वो मोरंग जो है वो महारानी, मतलब उस शादी नहीं हुई थी उसकी रंजीत सिंह के साथ लेकिन वो महारानी कहलवाती थी और जो है वो एक और किरदार जो है वो एक वाक़ मैं आपको बताता हूँ। रंजीत सिंह के जो है वो दरबार का एक शख्स दीवान मोहकम दीन, दीवान मोहकम दीन जो है ये कसूर के पास का रहने वाला था और कहते ये हैं कि दरबार जो है वो उससे मुंसलिक होने से पहले ये प्याज का कारोबार किया करता था। ये दीवान मोहकम सिंह वही है जिसने जो है वो लाहौरी दरवाज़ा जो है वो या लोहारी दरवाज़ा रंजीत सिंह की फ़ौजों के लिए खोला था और इसी से जो है वो साजबाज की थी रंजीत सिंह ने और उसने दरवाज़ा खोल दिया था और रंजीत सिंह की फ़ौजें जो है वो लाहौर में दाखिल हो गई थी और उन्होंने लाहौर पर कब्ज़ा कर लिया था। दीवान मोहकम दीन अगर लोहारी दरवाज़ा न खोलता तो शायद रंजीत सिंह की फ़ौजों को लाहौर पर कब्ज़ा करने में कोई थोड़ी सी मुश्किल का सामना करना पड़ता। दीवान मोहकम दीन जो है जब रंजीत सिंह ने जो है वो इस पर कब्ज़ा कर लिया लाहौर पर तो उसे दरबार में बहुत आला मकाम जो है वो दिया गया। कहा यह जाता है कि रंजीत सिंह जो है वो उसे बापू कहा करता था दीवान मोहकम दीन को और उसकी जो नशिस्त थी वो जो है वो जो है वो रंजीत सिंह के बहुत करीब जो है वो लगाई गई थी और वो जितनी इज़्ज़त अपने बाप को देता था उतनी ही इज़्ज़त दीवान मोहकम दीन को देता था। क्या दीवान मोहकम दीन को जो है वो इस बात से नहायत चिढ़ थी कि जो है वो महाराजा का दरबार मोरंग के कोठे पर लगता है और जो अहकाम जारी होते हैं उसके नीचे बाकायदा लिखा होता था कि महाराजा रंजीत सिंह जो है वो कोठा महारानी मोरंग
ये जो है वो उसके अहकाम के नीचे तहरीर होता था। दीवान मोकमदीन ने अपनी हैसियत का फ़ायदा उठाकर पहले तो जो है ना वो महाराजा रंजीत सिंह को समझाया, मतलब कोशिश की महाराजा रंजीत सिंह को समझाने की कि आप जो है वो पंजाब के महाराजा हैं, आप दरबार कहाँ लगाते हैं। लेकिन ये कि जो है वो महाराजा ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया, तो उसने जो है वो मोरा पर जो है वो दबाव डालना शुरू किया कि तुम जो है वो महाराजा को मना करो कि वो यहाँ जो है वो आकर दरबार बर्पा ना किया करे और यहाँ से अहकाम जो है वो ना दिया करे। लेकिन मोरा जो है वो जो है वो इस बात पे जो है वो राज़ी हुई नहीं हुई। उसने जो है वो मोकमदीन ने फिर बाकायदा उसको चैलेंज दिया कि या तो जो है वो तू अपने पेशे में वापस चली जाएगी, और मोरा ने जो है उसको कहा कि फिर मैं तुझे प्याज बेचने पर मजबूर कर दूँगी। ये दोनों के दरमियान जो है वो बाकायदा एक जो है वो चैलेंज था, मोरा की इज़्ज़त का सवाल था। लिहाजा मोरा ने जो है वो रंजीत सिंह से कहकर, ज़ाहिर है उसकी महबूबा थी, उसकी दाश्ता थी, उसकी महारानी थी, उसको कहकर जो है वो नवाकोट के इलाके में जितनी भी जायदाद थी दीवान मोकमदीन की वो बहक़ सरकार जब्त कर ली गई। और दीवान मोकमदीन ने इसी लाहौर की सब्ज़ी मंडी में बैठकर जो है वही प्याज बेची जो उसका आबाई पेशा था। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोरा का रंजीत सिंह पर जो है वो क्या असर रसूख था और उन दोनों की मोहब्बत जो है वो कैसी मोहब्बत थी। अच्छा, उसके बाद जो है वो मस्जिद वज़ीर ख़ान जो है, हम अभी जो है वो ये मोरा दी मस्जिद के जो है वो सामने खड़े हैं, जामा मस्जिद मोरा वाली इसका नाम है। तो ये मस्जिद जो है वो पहले मैं इस मस्जिद की कहानी सुना देता हूँ, उसके बाद आपको मस्जिद वज़ीर ख़ान ले चलेंगे और बताएंगे कि वहाँ जो है वो क्या हुआ था। ये मोरा मस्जिद जो है वो एक उस गुनाह के कफ़ारे के तौर पर जो है वो बनाई गई थी, जो गुनाह जो है वो मोरा ने मस्जिद वज़ीर ख़ान में किया था। कहा यह तवारीख में है, कहा यह जाता है कि रंजीत सिंह ने महारानी मोरा के साथ जो है वो कुछ वक्त या सुहागरात जो है वो मस्जिद वज़ीर ख़ान के मीनार पर जो है वो मनाई थी। और उसका जो अच्छा महाराजा रंजीत सिंह पर तो जो भी असर हुआ वो तो हुआ, लेकिन मोरा चूँकि मुसलमान थी लिहाजा उसके ज़मीर की एक खलिश थी कि मैंने जो है वो ये गलत काम किया है, लिहाजा उसने उसके कफ़ारे के तौर पर जो है वो ये जो है वो मस्जिद जो है वो तामीर करवाई। 1947 तक जो है वो इसको जो है वो कंजरी दी मस्जिद कहा जाता था और यहाँ लोग नमाज़ पढ़ने नहीं आते थे। लेकिन 1947 के बाद जो है वो इसको जो है वो पहले माई मोरा की मस्जिद का नाम दिया गया और फिर जो है वो ये जामा मस्जिद मोरा जो है मोरा वाली ये इसका नया नाम है। ये भी कहा जाता है कि उसने रंजीत सिंह से जो है वो बाकायदा जो है इसके लिए फ़ंड्स मांगे और रंजीत सिंह ने नहायत फ़राख दिली से, ये छोटी सी मस्जिद है, हम आपको जो है वो अंदर से दिखाते भी हैं ये मस्जिद, और जो है वो ये मस्जिद जो है वो उसने बनवाई। इसके दो गुंबद हैं और एक छोटा सा मीनार है, जगह भी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो इसमें जो है वो तब्दीलियाँ आती चली गई, ये मस्जिद थोड़ी सी वसी भी हुई, अब भी छोटी सी मस्जिद है। अब तो खैर इसको जामा मस्जिद जो है वो कहा जाने लगा 1947 के बाद, यानी 1947 के बाद लोग यहाँ आने भी लगे, नमाज भी पढ़ने लगे। लेकिन ये वो मस्जिद है जो उस गुनाह के कफ़ारे के तौर पर जो है बनवाई थी मोरा ने, जो उसने मस्जिद वज़ीर ख़ान जाकर जो है वो किया था। कहा जाता है कि वो जो है उसने एक मंदिर भी बनवाया था, एक मंदिर यहाँ कहीं इस इलाके में बनवाया था जो ख़त्म हो चुका है, उसकी माँ पर जो है वो आसेब का साया हो गया था और उसने जो है वो जो पुरोहित था हिंदुओं का उससे जो है वो बाकायदा जादू टूना कह लें या जो कुछ भी कह लें वो करवाया, उसकी माँ ठीक हो गई और उसने जो है वो मन्नत मानी थी मंदिर बनवाने की। दो मंदिर बनवाए उसने, एक मंदिर इसी इलाके में था पापड़ मंडी के इलाके में जहाँ हम खड़े हैं, लेकिन अब तो ये उसकी हवेली का नामो निशान भी मिट गया, ख़त्म हो गया, और जो है वो मंदिर भी जो है वो ख़त्म हो गया। हाँ, इशरे में जो है मंदिर है उसका कुछ थोड़ा सा हिस्सा कहते हैं कि बाकी है, लेकिन वो कम अज़ कम मुझे नहीं मालूम कि किस जगह है। कहते हैं कि बहुत सारी जगह पर तो कब्ज़ा कर लिया है लोगों ने, मतलब घर बना लिए हैं, लेकिन उस मंदिर का थोड़ा सा हिस्सा बाकी है। तो ये जो है वो मोरा जो तवायफ थी या जिसको मोरा कजरी के नाम से जाना जाता था, वो बाद में मोरा सरकार हुई और ये जो है वो कंजरी दी मस्जिद जिसे बाद में जो है वो माई मोरा दी मस्जिद और अब जामा मस्जिद मोरा कहा जाता है। आइए आपको पहले ये मस्जिद दिखाते हैं और उसके बाद ले चलते हैं मस्जिद वज़ीर ख़ान, आपको वो मीनार भी दिखाते हैं जिस मीनार पर जो है वो माई मोरा यानी मोरा सरकार और महाराजा रंजीत सिंह ने अपनी सुहागरात मनाई और उसके नतीजे में ये मस्जिद जो है वो तामीर हुई। तो पहले आपको ये मस्जिद दिखाते हैं और फिर आपको ले चलते हैं
मस्जिद वजीर खान, और वो मीनार भी दिखाएंगे जहां उन्होंने सुहागरात मनाई थी। ये है जी वो मोरा मस्जिद जो मोरा सरकार ने अपने गुनाहों के कफ़ारे के तौर पर जो है वो तमीर करवाई थी। बहुत छोटी सी मस्जिद है लेकिन वक्त के साथ साथ जो है वो इसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं, और ये उसका अंदरूनी हिस्सा इसका अंदरूनी हॉल कहते हैं कि उसने महाराजा रंजीत सिंह से इस मस्जिद की तामीर के लिए खुसूसी इजाज़त मांगी थी, और रंजीत सिंह ने जो है वो इसकी इजाज़त भी दे दी थी। इसके दो गुंबद हैं और जो है वो एक मीनार है। यह है जी वो मस्जिद वज़ीर ख़ान जिसके मीनार पर सुहागरात मनाने का खमियाजा मोरा सरकार ने भुगता। मोरा सरकार से ज़्यादा जो है वो रंजीत सिंह ने भुगता, क्योंकि ये कहा जाता है कि उससे अगले ही रोज़ यानी जब मोरा सरकार के साथ जो है वो उसने मस्जिद वज़ीर ख़ान, ये गुंबद है जी, ये तहक़ीक के बाद ये साबित हुआ है कि इस गुंबद पर जो है वो महाराजा रंजीत सिंह और मोरा जो जिसका मैं अभी ज़िक्र कर रहा था, जिसके साथ जो है मुसलमानों से नफरत करने के बावजूद जो है वो रंजीत सिंह जो है वो मोहब्बत करता रहा, और बिन ब्याही उसकी महारानी थी वो, और उसके नाम के सिक्के जारी, सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। इस मीनार के ऊपर जो है वो उसने मोरा सरकार के साथ सुहागरात मनाई, और अच्छा ये बड़ी तहकीक के बाद ये पता चला है कि जी वो मीनार ये था। मस्जिद वज़ीर ख़ान के चार मीनार हैं, लेकिन ये मीनार जो है वो उस ज़माने में चूँकि आबादी की तरफ था और इस तरफ आबादी कम थी, तो लिहाजा जो है वो जो लोग तहकीक करते हैं पुराने शहर पर और पुराने शहर की इमारतों पर या उन पर होने वाले वाक़यात के हवाले से, उनकी तहकीक ये है कि ये वाला जो मीनार था, इस मीनार के ऊपर जो है वो मोरा सरकार और रंजीत सिंह ने जो है वो अपनी सुहागरात मनाई। ये तारीख़ का हिस्सा है, कहानी नहीं है, ये कोई रिवायत नहीं है, कोई हकायत नहीं है, बल्कि ये जो है वो तवारीख़ में है कि महाराजा रंजीत सिंह और मोरा सरकार दोनों ने अपनी सुहागरात जो है कुछ तवारीख में लिखा हुआ है कि कुछ थोड़ा सा वक्त गुजारा, लेकिन बाज़ तवारीख में लिखा हुआ है कि उन्होंने बाकायदा सुहागरात मनाई इस पर। और उसका अंजाम क्या हुआ? अंजाम ये हुआ कि रंजीत सिंह जो है वो अगले दिन बीमार हो गया, और जो है वो खुद उसे जो है वो ये उसके बाद जहन में आई कि जो मेरी बीमारी है वो शायद इस वजह से है कि मैंने मस्जिद की बेहरमती की है। हालाँकि उसने जो है वो बहुत सारी मसाजिद की बेहरमती की, बादशाही मस्जिद, सुनहरी मस्जिद, मस्जिद वज़ीर ख़ान, मरियम ज़मानी मस्जिद, ये वो तमाम मस्जिद हैं जहाँ से कीमती पत्थर तो उतारे ही गए, इन मस्जिद को स्तबल तक बना दिया गया। तो उसके जहन में ये बात आई कि शायद जो है वो मैंने मस्जिद की शान जो है वो अपना ख़राब की है, या मैंने मस्जिद जो है वो उसका जो तकद्दस है वो पामाल की है, और उसकी वजह से मैं बीमार हुआ हूँ। तो अंदर मज़ार है हज़रत सैयद मोहम्मद इसहाक गाजरूनी का, तो वो जो है ना अगले दिन उस मज़ार पर उसने हाज़िरी दी, 500 रुपया जो है वो उसने नज़र किए, मुआफ़ी मांगी, और ये वादा किया कि आइंदा मैं मस्जिद की बेहरमती नहीं करूँगा। और चूँकि मोरा को जो है इस वो चूँकि मुसलमान थी, मोरा को इस बात का शिद्दत से जो है वो एहसास था कि मैंने यहाँ आकर गलत किया, क्योंकि उसे पता था कि मस्जिद का तकद्दस क्या होता है। लिहाजा वो वाली जो है मोरा मस्जिद जो अभी आपने देखी, वो इसी मस्जिद के मीनार पर सुहागरात मनाने पर जो है वो उसके जहन में जो बात आई कि मैंने मस्जिद का तकद्दस पामाल किया, और कफ़ारा अदा करने के तौर पर उसने वो मोरा मस्जिद जो है वो तामीर कराई थी। तो मोरा की कहानी मस्जिद वज़ीर ख़ान के बगैर और मस्जिद वज़ीर ख़ान की कहानी मोरा के बगैर अधूरी है। हमें इजाज़त दीजिए इंशाल्लाह ताला तारीख के फिर किसी और मोड़ पर, तारीख की फिर किसी और कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।